गुप्ता इनका नकली था, बता रहे हैं आपको। आज सुबह ही हमसे कहती पुष्पा पुष्पा तुमने हमारा हार नहीं देखा। हमने कहा दो ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देखते हैं, एक तो इंग्लिश की न्यूज और दूसरा नकली हार। एकदम वो उतर गया। हमने कहा क्या हुआ, सच बहुत कड़वा लगा तुम्हें, आगे मैंने नकली हार दिखाने हमको। अब आजकल तो हर चीज नकली, आपको बताएं, नकली आंखें लोग लगवाती, नकली नाक, नकली नाखून, नकली होंठ और पता नहीं क्या क्या नकली होता है, बता रहे हैं। पर हम पूरे के पूरे असली टॉप टू बॉटम। और आज तो नई साड़ी भी हमने ली है, एकदम लखनऊ से मंगवाई, चिकनकारी। अरे खाने वाला चिकन नहीं, पहनने वाला। परिचय दे देते, हमारा नाम है पुष्पेश्वरी परमेश्वरी। आंटी आप हमको प्यार से बुलाना, सिर्फ आंटी। अभी वही करने आए जो हम रोज करते हैं, ठीक है। पांच सवाल पूछेंगे आपसे गिन के पोलबाजी में, हर सवाल के होंगे तीन तीन ऑप्शन। अब जो ऑप्शन आपको सही लगे ये 10 सेकंड में उस पर कर देना क्लिक, ठीक है। अब अगर जनता ने भी उसी पर क्लिक किया तो वो बन जाएगा सही जवाब और आप बढ़ जाएंगे आगे। अभी ऐसा करते 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 एकदम आखिरी सवाल तक आगे बढ़ गए तो पैसे मिलेंगे 5,000 रुपए। वाह वाह, पूरे नहीं, ना ना ना, इससे आपका हिस्सा आपको मिलेगा। अभी आपको लगा ओहो आप तो बहुमत का हिस्सा नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, आप अपना जीवन यानी लाइफ इस्तेमाल करके गेम में धूप करके वापस, एकदम से वापस, ठीक है। अभी आपको लगा ओहो हमारा जीवन भी इस्तेमाल हो गया फिर भी हम बहुमत का हिस्सा नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, फिर भी अपना मत दिए आप बिल्कुल आखिर तक, ठीक है। शुरू करें फिर है? क्या कहते हैं आप भाई साहब, शुरू करें आप बहन जी, आप लड़की, आप प्यारी बेटी, आप बताइए, सब करें। चलो सबकी सहमति आ गई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 9,000 से ज्यादा लोग, एकदम 9,500 के करीब करीब आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। आपकी राय में इनमें से कौन सा भारतीय क्रिकेटर अभी भी है? भुवनेश्वर कुमार, पार्थिव पटेल, कुलदीप यादव। अब देखो ये सवाल है कि कौन दिखता है नहीं अंडर 19 दिखता है। अब अगर सवाल ऐसा होता कि कौन अंडर 19 है, तो इसमें तीन ऑप्शन होते हैं आपके, पुष्पा पुष्पेश्वरी परमेश्वरी और तीसरा ऑप्शन होता है पुष्पा आंटी, यानी कि तीनों। अच्छा हम सबसे छोटे हैं पर एक ऐसा इंसान है जो हमसे भी छोटा है, बताइए कौन, बताइए बताइए बताइए, हम बताते हैं तैमूर। वही हम, क्या कह रही हो, वो हमसे, वो भी हमसे छोटा है। नहीं नहीं इतना भी मजाक मत करो। अभी आंसर आ गया, लोग कह गए पार्थिव पटेल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्रिकेट की बात हुई तो हम इस पे गाना बना के लाए हैं, आपको सुनाएं। हाँ कह रहे हैं, सुनिए। बाल दिखाए बल्ला घुमाए, बीच स्टेडियम में छक्के मारे धाय धाय, ओ लड़का रन मारे, बोलो पुष्पा की जय हो जय हो। चलो ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपकी राय में इनमें से कौन सी बॉलीवुड की सबसे अच्छी कॉमेडी श्रृंखला है? हाउसफुल, गोलमाल या फुकरे? के सवाल करते हैं। अब माना कि हम बिल्कुल हीरोइन जैसे, अभी वो तो हमारा ब्याह जल्दी हो गया, नहीं तो हम कटरीना से कुछ कम है? अपने आंखों में चश्मे के अंदर कटरीना और अनुष्का दिखाई देंगे आपको, आप विश्वास नहीं करते, फोटो दिखाओ इनको, फोटो ये देखो हमारे चश्मे के अंदर है कटरीना, दूसरी फोटो दिखाओ, ये देखो अनुष्का भी हमारे चश्मे के बिल्कुल अंदर। आपको लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं ऐसे, यहाँ देख लिया। चलो ठीक है, अभी सबसे ज्यादा लोग कहे गए गोलमाल, 4,000 से ज्यादा लोग कहे गए गोलमाल। अच्छा आपको एक बात बताए, थोड़ी पुरानी बात है, अभी तक समझ नहीं आया। देखो हम गोलमाल रिलीज हुई ना तो हमने अनीका से पूछा कि बताओ गोलमाल देखकर आई, कहती हाँ आंटी बहुत अच्छी थी, इतनी भीड़ थी पूरा हाउसफुल। हमने कहा हाउसफुल देखी तुमने या तुमने ये गोलमाल देखी? कहती गोलमाल देखी पर हाउसफुल हाल में। हमने कहा तुम क्या एकदम यार अकल नहीं है तुमको, तुम हाउसफुल कह रहे हो, ये बच्चे आजकल पिक्चर देखते ही कहाँ है, है ना, अभी वहां जाके आशिकी करते हैं, ये पॉपकॉर्न टटोलते हैं, है ना। चलो ठीक है अभी प्रश्न तीन पर हम पहुंच गए, 9,500 से ज्यादा लोग आपके स्क्रीन पर ये रहा। बॉलीवुड में किसकी अभिनीति आपको अनुचित लगती है? गोविंदा, बाबी देओल या अक्षय खन्ना? अब फिर बॉलीवुड का सवाल हमसे पूछ लिया, शर्म को भी शर्म आ जाए ना।
गोविंदा, जो ये ऑप्शन है ना हमें बहुत पसंद है। गोविंदा का गाना है ना कि रास्ते से जा रहा था बेलपूड़ी का। अब ये एकदम रहस्य की बात आपको बताई, अभी किसी को नहीं बताया हमने कि ये बेलपूड़ी हमारे ही घर में बनी थी, हमने ही बनाई थी। फिर कहता मिर्ची लगी, हमने कहा मिर्ची लगी चटनी डाल देते हैं लाल वाली मीठी वाली। ये बाबी देओल, ये आजकल शादियों में गाने वाने बजाता है बाबी देओल, क्या कहते हैं उसे डीजे, उस दिन इतना बुरा ढिकचिक करा था, हमने कहा नीचे उतरो, ये तुम नीचे उतरो एकदम। हम ऊपर गए, हमने ढिकचिक गाना बजाया, अभी लोग कहते हैं आंटी आप ढिकचिक गा के सुनाइए, हमने गा के सुनाया। आपको सुनाया क्या, क्या कह रही हो, टाइम नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी लोगों ने कह दिया गोविंदा, गोविंदा हमें बहुत पसंद है, चलो गोविंदा का ही गाना गाते थे, वही जो हमारे घर में बना था। हम तो रास्ते से जा रही थी, एकदम नई साड़ी पहन के जा रही थी, एकदम सुंदर लग के जा रही थी। चलो ठीक है बस तुमने कह दिया, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा SMS का शॉर्ट फॉर्म आपको कूल लगता है? अभी कूल क्या है, अभी वैसे ठंड आ गई है। ASAP BTW ETTYL। अच्छा आपको लग रहा होगा हमें पता नहीं है क्या, हमें पता है और हमें सबसे अच्छा लगता है ऊपर वाला ASAP। पूछिए क्यों, क्योंकि इसमें हमारा नाम आता है। अभी ASAP का फुल फॉर्म है आज सुबह आई पुष्पा, हमारा नाम आ गया ना। अभी वाला जो है BTW बंटी टिक्की वाला, अब आपको लग रहा होगा बंटी की तो दुकान ही, टिक्की कहां से बेचता है, अरे इसके पास बहुत साबुन की टिक्की होती है। देखो टॉयलेट का साबुन अलग, नहाने का साबुन अलग, कपड़े धोने का अलग, बर्तन धोने का अलग, ये हो गई ना टिक्की, टिक्की की दुकान। अभी लोग कह गए सबसे ज्यादा, देखा लोग भी कह गए आज सुबह आई पुष्पा, यानी ASAP सबसे बढ़िया सबसे कूल लगता है। अच्छा तीसरा ऑप्शन TTYL, इसका तो हमने आपको बताया नहीं, इसका मतलब है तभी तो यहाँ लगवाई। हाँ देखिए अभी कभी लोग हमारे घर में आके कहते हैं अरे वाह बत्ती बहुत अच्छी लग रही है, आपने दिवाली की बत्ती बहुत अच्छी लगाई, हमने कहा TTYL तभी तो यहाँ लगवाई है ना। अभी आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी ने बोला अभी काजल बहुत अच्छा लग रहा है तो कह दीजिए TTYL तभी तो यहाँ लगवाई। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आखिरी सवाल ये रहा। भारत में इनमें से कौन सा पुरुषों का नाम सबसे आम है? आम है, आम तो फल होता है और सर्दियों में मिलता भी नहीं है, राकेश, राहुल या फिर राज। अच्छा जो पहला ऑप्शन राकेश, ये हमारा पिरेस वाला है, इसको हम कहते हैं आयरन मैन, आयरन करता है ना पिरेस, हम कहते हैं आयरन मैन आ गया, पैसे दड़ा संभल के लेना। ठीक है राहुल, नाम तो सुना क्या कह रही हूँ, राज होता है, अरे राहुल का भी होता है नाम सुना होगा, राज का भी होता है, और राज वही है कल मुहा जिसके साथ सिमरन भाग गई थी, पूरे खानदान की नाक कटवा दी, हम भी भागे थे ट्रेन के पीछे, हमारे पास तो किसी राज का हाथ नहीं आया, हम भाग रहे राज देख, भाग रहे हमारी ट्रेन छूट गई, बता रहे आप। अभी लोग कहे गए राहुल, नाम तो सुना होगा, 2800 से ज्यादा लोग कहे गए, 80 से ज्यादा लोगों की जीवन इस्तेमाल हुआ एकदम आखिर सवाल पर आके, क्या बात है, मतलब राहुल नाम तो सुना होगा, कुछ कुछ लोग राज भी कहे गए, बहुत कम लोगों ने हमारे प्रेस वाले का नाम लिया राकेश का, कोई बात नहीं राकेश वन एंड ओनली। चलो 1021 लोग जीत गए, क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको, आप सबके लिए थोड़ी सा तारे सितारे दिवाली बना दे, बनाई दीजिए। लाला 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 हो गई वे, पेजा 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 हो गई वे, बहुत बढ़िया। देखो अगर आप जीत गए हो तो बताओ कि आप कैसे हो, हमारी साड़ी कैसी है, शो कैसा है ना, ये सब कुछ बताना सोशल मीडिया फेसबुक पर आके, ये टैग टूक कर देना बाजी नाव को जो भी आप टैग टूक करते हो, ठीक है। अच्छा कुछ कुछ विनर के नाम हम पढ़ देते हैं, मिनी का नाम हुआ मिनी, विनी ये मिनी शो का नाम है पोलबाजी मिनी, राणा भी जीता है, सरोज, अभिषेक, मोनी, बोनी, आर 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 आर
ये भी जीता है शांति प्रवीण, बहुत बहुत आशीर्वाद 1021 लोगों के लिए। अब आपको लग रहा है कब पैसे मिलेंगे, है ना, दोबारा कब मौका मिलेगा खेलने का, तो अभी 4:30 बजे खेले बिंगो बाजी, फिर 8:30 बजे खेलेगा ब्रेन बाजी, फिर 9 बजे पोल बाजी दोबारा से, और 1 बजे ब्रेन बाजी मिनी, छोटा वाला जो मिनी होता है। अच्छा आज ये मंगलवार का दिन है, हम व्रत रख कर आए, तो अभी सुबह हमने फ्रूट चाट खाई, अभी साबुदाना की खिचड़ी खाएंगे और फिर शाम को लस्सी के साथ कुटू के पकौड़े खाएंगे बहुत सारे। हाँ अब क्योंकि व्रत है हमारी ऊर्जा भी थोड़ी कम हो जाती, चाय वाय हम लगातार पीते हैं ना, अभी व्रत में तो कम ही खाना खाते हैं ना। ठीक है तो चलते हैं, फिर लगवा दीजिए हमारी साबुदाना की खिचड़ी, गर्म कर दीजिए। हेलो आपसे बात कर रहे हैं, गर्म कर दीजिए ना हमारी।